नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम लोग रीजनिंग में रेलवे के लिए एक पूरा सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस तरह के प्रारूप की प्रैक्टिस जरूर करें, और ये सेशन आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, ताकि सारे यूजर्स इस तरह के क्वेश्चंस को समझ सके। सबसे पहला जो प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। बेसिकली दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि अगर वाटर इज कॉल्ड ब्लू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी को नीला कहा जाता है, एंड ब्लू इज कॉल्ड रेड, और अगर नीले को लाल कहा जाता है, एंड रेड इज कॉल्ड येलो, और लाल को पीला कहा जाता है। तो जो इक्वेशन में लिखा है इसको हम यहाँ पर लिखते जाते हैं। पहला पॉइंट में कहा है कि वाटर को नीला कहा जाता है, ब्लू। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वाटर जो है इसको कहा जाता है ब्लू, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ब्लू को रेड कहा जाता है, तो ब्लू को हमने लिख लिया रेड, नीले को लाल कहा जाता है, ओके। फिर कहा गया है कि रेड इज कॉल्ड येलो, लाल को पीला कहा जाता है, तो रेड को क्या कहा जाता है, येलो। इसके बाद में कहा गया है येलो इज कॉल्ड स्काई, मतलब जो पीला है उसको इसका आकाश कहा जाता है, तो येलो इसको कहा जाता है स्काई। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि स्काई को रेन कहा जाता है, आकाश को बारिश कहा जाता है, स्काई इसको कहा जाता है रेन। नेक्स्ट पॉइंट में कहा है कि रेन इज कॉल्ड ग्रीन। देखो रेन को ग्रीन, मतलब एक पूरी हायरार्की बनी है कि रेन को ग्रीन, और एक ऑटम दिया है कि ग्रीन को एयर कहा जाता है। ये हमने लिख लिया ग्रीन को एयर कहा जाता है। अब जैसा क्वेश्चन में लिखा है इस तरह से आप लिख लो। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक, मतलब कि हल्दी का रंग जो है वो क्या होता है। हल्दी का रंग होता है पीला, पीला मतलब येल्लो, ठीक है। तो आपको निकालना है कि येल्लो का क्या मीन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ टर्मरिक, मतलब कि इनमें से हल्दी का रंग क्या है। तो हल्दी का रंग होता है पीला। अब ये देखो येल्लो को कहा जाता है, पीला है तो येल्लो को कहा जाता है स्काई। तो यहां से राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, स्काई, ठीक है। क्योंकि इस कोडिंग का भी हमें यूज करना है, जो क्वेश्चन है उसमें पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें हल्दी का रंग पूछा है तो ये तो येल्लो होता है, लेकिन येल्लो को क्या नोटेशन दिया गया है, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, स्काई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्काई, तो ये हो जाएगा आकाश, ठीक है, पहला जवाब। अगर आपको इसी क्वेश्चन में किसी और तरीके से पूछ लिया जाए, ओशियन, सागर को क्या कहा जाता है। देखो ओशियन मतलब सागर, ये होता है नीला, ठीक है, सागर का मतलब नीला निकल कर आया। अब देखो नीले का मतलब ब्लू हुआ, ब्लू को क्या कहता है, रेड। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा है कि ओशियन को क्या कहा जाएगा इसी सेम क्वेश्चन में, तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा, रेड, ठीक है। एक तो क्वेश्चन का टाइप ये हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से थोड़ा देखना। इसमें लिखा है कि जो यहां पर आपको ऑप्शन दिए इसमें से आपको सार्थक क्रम में आपको सजाना है, मतलब ये कहा जाए कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर जो है इन वर्ड्स का क्या निकल कर आएगा। तो जैसे लिखा है बुक सेल्फ, पुस्तक, अलमारी, जिसका मतलब होता है बुक्स, पुस्तकें, पेजेस, पृष्ठ, स्कूल, विद्यालय, लाइब्रेरी, पुस्तकालय। तो अगर एक क्रोनोलॉजी, मतलब एक सही क्रम इनका बनाया जाए, तो आपका क्या बनेगा। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, विद्यालय। अगर मैं ये कहूं कि विद्यालय जो है उसके अंदर ही ये सारी चीजें होती है, पुस्तकालय वगैरह, तो विद्यालय का मतलब हो गया स्कूल, सबसे ऊपर आएगा स्कूल, उसके अंदर आपका क्या आएगा, विद्यालय के अंदर आएगा पुस्तकालय, मतलब कि लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है, अलमीरा, जो बुक सेल्फ होगी, ठीक है, मतलब कि पुस्तक अलमारी, इसका मतलब क्या कहा जाए, बुक सेल्फ, ठीक है। और पुस्तक अलमारी के अंदर क्या होंगी, बुक्स होंगी, पुस्तकें, ठीक है, और पुस्तकों के अंदर क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। तो ये आपका एक ऑर्डर निकल कर आया। लेकिन अगर मैं कहूं कि विद्यालय को कौन सा नंबर दिया गया है, विद्यालय को दिया गया है 4 नंबर, ठीक है, पुस्तकालय को क्या दिया गया है, 5 नंबर, और जो ये अलमारी है पुस्तक अलमारी इसको दिया है 1 नंबर, और बुक्स को दिया है 2 नंबर, और पेजेस को दिया है 3 नंबर। तो देखो 4 से स्टार्ट हो रही है, 5, 1, 2, 3, ये आपका ऑर्डर आ रहा है, लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन जो है 4 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले बात की जाए कि सबसे पहले पेजेस होता है, पेजेस किस में होता है, बुक्स में होता है, बुक्स कहां पर होती है, अलमारी में होती है, अलमारी कहां पर होती है, वो होती है किसी पुस्तकालय में, और पुस्तकालय कहां पर होगा, विद्यालय में। तो देखो कहीं ऑर्डर इस तरीके से तो नहीं दिया है, 3 दिया है, इसके बाद में 2, फिर 1, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4 ऑप्शन ए दिया है, तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यही सही जवाब होगा। आप लोग देख लेना, या तो आपकी जो एक टॉप टू बॉटम दिया होगा, या तो बॉटम टू टॉप दिया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
एक और क्वेश्चन है, ये है आपका डायरेक्शन का। ये मैं कई बार डायरेक्शन क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। इसमें लिखा है कि ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी विच इज नॉर्थ टू सी। ए जो है वो बी के पूर्व में है जो सी के उत्तर में है। अगर दिशाओं की बात करी जाए तो ये आपको पता होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, मतलब उत्तर और ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि ए इज इन द ईस्ट टू बी। मैंने कहीं पर, यहां कहीं पर बी को मैंने मान लिया, फिर कहा गया कि बी के पूर्व में जो है वो कौन है, ए है, तो बी का पूर्व इस साइड में आएगा और यहां कहीं पर कौन है, ए है। ये दोनों पॉइंट आ गए। फिर लिखा है कि जो सी के उत्तर में है, तो जो किसके लिए यूज हो रहा है, बी के लिए यूज हो रहा है। इंग्लिश में अगर कहें कि ए इज इन द ईस्ट टू बी, बी के ईस्ट में ए हो गया, विच इज टू द नॉर्थ टू सी, तो बी के लिए यूज हो रहा है विच। ओके, यहां पर ठीक है, बी जो है वो सी के नॉर्थ में है। तो देखो सी आप कहां पर बनाओगे, को सी के जो है उत्तर में आपको बी बनाना होगा। ठीक है, तो यहां कहीं पर आपको सी बनाओगे, तभी तो उत्तर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में दिया गया है, तो यहीं कहीं पर आपका सी होना चाहिए, मैंने यहां पर बना दिया। ओके, तो सी के उत्तर में कौन है, बी है, ये आ गया। फिर लिखा है इफ डी इज इन द बेस्ट टू सी, सी के बेस्ट में, सी के पश्चिम में कौन है, डी है, तो सी ये है। अब सी का पश्चिम इधर होगा इस साइड में, अगर मैं सी को यहां पर रख दूं तो पश्चिम के लिए इधर मूव करना होगा, तो यहां पर कौन है, यहां पर है डी। फिर पूछा है ए इज इन विच डायरेक्शन ऑफ डी, ए जो है वो डी की किस दिशा में स्थित है। तो देखो डी ये है, तो डी को अगर मैं सेंटर मानूंगा तो मैं डॉट करके पहले डी को बिल्कुल सेंटर पे ले आ रहा हूं। ठीक है, अब ये देखो डी सेंटर पॉइंट पे आ गया, तो डी आपका यहां पर है, और देखो एक कहीं यहां पर आ रहा है, कहीं यहां पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या है, उत्तर और पूर्व के बीच में, मतलब नॉर्थ ईस्ट के बीच में आपने देखा ये वाली डायरेक्शन आ रही है, इन दोनों के बीच में। ओके, तो ये किस दिशा में हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, एक और जवाब देखते हैं यहां पर, चार नंबर क्वेश्चन। आप लोग ट्राई भी करते रहे और कमेंट में साथ में रिप्लाई करें अगर आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है तो। इसमें लिखा है निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में प्रारूप पूछा ही जाता है। अब इसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा, देखो लिखा है पी, फिर उसके बाद में एक गैप है, फिर दो बार क्यू लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर एक गैप है, फिर दो बार यहां पर क्यू लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर एक बार गैप है, फिर दो बार क्यों लिखा है। अब ये ऑप्शन देखो कौन सा बैठ रहा है, मैं पहले ऑप्शन ए को रख के देखता हूं। तो अगर मैं यहां पर पी रख दूं और यहां पर अगर दो बार क्यों क्यों रख दूं, तो देखो क्या पैटर्न बनेगा, दो बार पी, दो बार क्यों, फिर पी क्यू, फिर क्यों क्यों, फिर पी क्यू, फिर क्यों क्यों, मतलब कोई एक सटीक पैटर्न नहीं बन रहा है। अब जब यहां पर दो बार पी दो बार क्यों है, तो हर बार दो बार पी दो बार क्यों बनना चाहिए, तो ये वाला लॉजिक तो हमारा काम नहीं करेगा। इसकी जगह में कुछ और यहां पर दोस्तों सोचना होगा। अगर मैं सेकंड बी वाले ऑप्शन को रख के देखूं, यहां पर भी क्यू, यहां पर क्यू, यहां पर क्यू, तो देखो पी तीन बार क्यू, पी के बाद जो है वो क्या आया, ट्रिपल क्यू आ गया, फिर पी आया, फिर इसके बाद में देखो क्यू क्यू क्यू, फिर ट्रिपल क्यू आ गया, फिर पी आया, फिर इसके बाद में क्यू 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 ट्रिपल क्यू, तो ये प्रारूप बिल्कुल ठीक है। पी ट्रिपल क्यू का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार ये जो है रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो सही जवाब में क्या है, यहां पर आपको ये वाली चीजें ही भरनी होगी, तीनों जगह पर क्यू 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 भरा जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो ये क्वेश्चन जो है एनालॉजिक है, मैंने आपको बताया कि ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है, आपके बेसिक जीको को चेक करते हुए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें लिखा है इंडिया, इंडियन, डच। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंडिया है, यहां पर लिखा है इंडियन, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा भारत, भारतीय, डच, इसका क्या रिलेशन बनेगा, भारत के लोगों को क्या कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डच किसको कहा जाता है, दोस्तों जो हॉलैंड के पीपल हैं उनको क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन। ये कहां से आया, इंडिया से, भारत के लोगों को इंडियन कहा जाता है। ठीक है, तो जो डच है वो किसको कहा जाता है, हॉलैंड के निवासी को। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देख लो एक बार, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी कुछ इस तरह से ही बनता है आपका, लेकिन यहां पर मैथमेटिकल डिजिट यूज हुई है। तो ये देखो 462 22 कोलन 525 और यहां पर x मान लिया, ये कैसे आएगा, तो आप देखो 462 से
22 कैसे आ रहा है, क्या ओरिजिनेशन इसका बन रहा है? तो मैं देखता हूं एक बार, क्या 22 से ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है किसी तरीके से? तो अगर आप 22 से 462 को अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 22 से दो बार गया, फिर एक बार, 21 टाइम्स, 21 टाइम्स जो है ये चला जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक यहां पर एक्स ऐसा नंबर हो जो 5 to 5 को भी सेम रिस्पेक्ट में डिवाइड करे 21 टाइम्स में, तो वो नंबर यहां पर आना चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, 525 को अगर मैं किसी x से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 21 मिलना चाहिए। मतलब आप क्या करो, 525 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, ओके, तो 21 कब मिलेगा, पहले आप देख लो 21 से डिवाइड करके, अगर आप इसको 21 से डिवाइड करते हो तो ये 21 से दो बार गया, 10 बचा 105 हुआ, 21 पंचे 25 बार पूरा पूरा चला जा रहा है। तो इसका मतलब मैं यहां पर इन दोनों से ये बात निकाल सकता हूं कि 462 को जब मैंने 22 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 21 मिला। 525 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूं तब भी मुझे 21 मिल रहा है, तो इसका मतलब इस x की जगह पर क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिमिलर चीजों को ही यूज यहां पर किया गया है। 7th क्वेश्चन देख लो, ये भी आसान है। इसमें लिखा है ताजमहल आगरा, एफिल टावर, बहुत सारे लोग सही जवाब दे लेंगे। ताजमहल कहां पर है, आगरा में, तो एफिल टावर क्या है, ये कहां पर है, ओके, तो जो एफिल टावर है वो है पेरिस में, फ्रांस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे हैं तो इनको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। एक 8th वाले क्वेश्चन को लेते हैं, ये ब्लड रिलेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखना दोस्तों। इसमें मैं आपको दो तीन चीजें बहुत क्लियरली बताता चलूंगा। इसमें लिखा है O इज द वाइफ ऑफ N, O जो है वो N की पत्नी है, तो N यहां पर है, अब N की पत्नी है, ओके, N की पत्नी कौन है, O है, तो O जब वाइफ है तो इसको माइनस से दिखाओगे, N को हम लोग प्लस से दिखा देंगे। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी है, तो इनको दो लाइनों से दिखा दो। इसका मतलब क्या हो गया कि N की पत्नी O है, ठीक है, तो O के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया, मतलब मेल और फीमेल दिखाने का सीधा सीधा ये तरीका है। फिर लिखा है Q इज द सन ऑफ O, O का सन कौन है, Q है, तो नीचे आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, Q, Q सन है, मतलब कि Q जो है वो O का बेटा है, तो Q बेटा होगा तो प्लस लग जाएगा, जेंडर इसका स्पेसिफाई कर देंगे प्लस लगाकर, ठीक है। तो ये दोनों कपल्स हैं, ठीक है, और इनका ही कंबाइंड फॉर्मेट में Q जो है वो एक सन होगा, ठीक है, तो Q के मदर फादर ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मेट में। फिर लिखा है M इज द ब्रदर ऑफ N, M जो है वो N का भाई है, N का भाई कौन है, M है, N का भाई M है, यहां पर लिखा है M N का भाई है और P का पिता है, मतलब कि M इज द ब्रदर ऑफ N एंड फादर ऑफ P, M जो है वो P का फादर है, M जो है वो P का पिता है, तो M फादर होगा, इसका मतलब P इसका चिल्ड्रन नीचे आएगा, ठीक है, और M फादर है तो इसका मतलब M का जेंडर भी पता चल गया कि M जो है वो यहां पर मेल है, ठीक है। जितनी चीजें यहां पर हमने सब चीजों को मेंशन कर लिया है। फिर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है P से कैसे संबंधित है Q, मतलब कि Q का रिलेशन P के साथ में क्या, Q ये है P ये, इन दोनों का रिलेशन दोस्तों पूछा गया है। अब आप ये देखो Q के ये मदर हो गई, Q के फादर हो गए, Q के फादर के भाई मतलब Q के अंकल हो गए ये, ठीक है, Q के अंकल, अब अंकल का बेटा क्या हुआ, इनका चचेरा भाई बहन कोई भी बनेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, कजिन लिखते हैं। अब ऑप्शन में ए दिया है कजिन, सही जवाब है। अब इसमें लिखा चचेरा भाई, ओके, तो ये चीज पता यहां से हमें चल जाएगी कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू कौन होगा पी का, क्यू का जेंडर पता है, इस वजह से हमने यहां पर ये मेंशन कर दिया है कि ये कजिन ब्रदर, ठीक है, चचेरा भाई है, कजिन को चचेरा भाई यहां पर दिखाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो 9 नंबर का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से दोस्तों आप लोग ट्राई करो, जरूर बनाओ इसको एक बार। इसमें मिसिंग नंबर यहां पर वैल्यू निकालनी है, 36, 4, 25 और 9, 9, 49, 64 और x, ये फाइंड आउट करना है, 25, 9, 36 और 8, ठीक है। अब इसमें क्या आपको सीरीज बनानी है कि किसी ना किसी तरीके से ये सब चीजें आपको मिल दी जानी चाहिए, कि ऊपर तीनों का यूज करके 9 बना लो, ऊपर तीनों को यूज करके ये बना लो और ऊपर तीनों का यूज करके 8 बना लो। तो पहले स्टार्ट यहां से करते हैं 36, तो देखो 36 और 4 और 25 कैसे आप इसको यूज करोगे। अगर मैं कहूं कि 36 जो है इसका स्क्वायर रूट की अगर वैल्यू निकालूं तो ये 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 किसका होता है, 2 का होता है। 25 में मैं अगर यहां पर 5 लिख दूं,
तो देखो 6 2 5 से क्या 9 बन सकता है? मैं कह दूं कि 6 और 5 हो गए 11, 11 में से 2 को लेस कर दो मिल गया 9। यहां पर मैं लिख के दिखा रहा हूं 6 प्लस 5 लास्ट वाला नंबर माइनस 2 कर दिया, मुझे यहां पर 11 मिल, ये 6 5 11 में से 2 गया, ये हो गया आपका 9 निकल कर आ रहा है। देखो क्या यही प्रारूप यहां पर चल रहा है, 25 5 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये नंबर हमें मिल गए 5 3 6 5 और 6, इनको जोड़ लो माइनस 3, 5 और 6 11 में से 3 गया 8, यहां पर 8 आ गया। तो यही प्रारूप यहां पर लगा दो, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर और ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो 3 और 8 कितना हो गया 11, 11 में से 7 को लेस कर दो, ये हो गया यहां पर 4। तो यहां कहीं पर ये ऑप्शन बी जो है 4 वाला, ये बिल्कुल सही जवाब यहां पर माना जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मिसिंग नंबर पूछा है कि कौन सा यहां पर विलुप्त नंबर आपको ज्ञात करना है, विलुप्त नंबर रहा आपका यहां पर ये, और आपके ऑप्शन जो है ये नीचे दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या सीरीज आपकी बन सकती है, किस तरीके से आप यहां पर बना सकते हैं। देखो ये 49 है, ये 40 है और ये 3 है, फिर ये 64 है, 48 है, 4 है, 5 है, 24 है, ये फाइंड आउट मुझे करना है। तो अगर आप पहली लाइन को देखते हो बहुत ढंग से ऑब्जर्व करो, 3 लिखा है, 40 लिखा है और 49 लिखा है। आप यही कहोगे कि 49 में से मैंने 40 को लेस किया, मुझे कितना मिला 9। अब 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ऐसा मैं मान लूँ तो ये हमारा 3 जनरेट हो जा रहा है इन दोनों नंबर से। तो ऐसे ही देख लो कि इन दोनों नंबर से ये 4 जो है क्या जनरेट हो रहा है। अगर मैंने 64 में से 48 लेस कर दिया, बचा 16, अब जो 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर का है। तो आप ये देखो इन दोनों नंबर पर 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होता है, जैसे 4 का स्क्वायर 16 डिफरेंस आया था, यहां पर 3 का स्क्वायर 9 आया था, तो 5 का स्क्वायर 25 का डिफरेंस आना चाहिए, यहां पर ऐसे दो नंबर आ जाए, तो 24 और 49। अगर मैं इन दोनों को लेता हूं 24 और 49, इसका डिफरेंस ले लो कितना आया 25 और ये किसका है 5, तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बाकी और कोई नंबर यहां पर फिट नहीं बैठ पाएगा क्योंकि दोनों का हमने क्या डिफरेंस लिया और वो किसी एक वैल्यू का स्क्वायर होगा जो कि ऊपर लिखी है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन डिजिट को बहुत ध्यान से एक दो बार देखना जरूर। अब ये जो रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है इसमें सर्किल बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मैं बिल्कुल दो पार्ट बना चुका हूं, हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप अगर उस पार्ट को देख लोगे तो फिर आपको डाउट यहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें पूछा है इनमें से कौन सा आरेख, कौन सा जो वेन डायग्राम है वो एक रिलेशनशिप को दिखाएगा जिसमें बियर और ओमनिवोरस और लायन ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है, वेज नॉन वेज दोनों चीजें। और पूछा है बियर, भालू, ओमनिवोरस और लायन, इन तीनों में क्या रिलेशन निकल कर आएगा। देखो अगर मैं यहां पर सीधी सी बात ये कहूं कि ये हो गया ओमनिवोरस, मैंने एक सबसे बड़ा सर्किल बनाया ओमनिवोरस का, मतलब कि सर्वाहारी का। अब सर्वाहारी भालू है तो मैंने भालू को अंदर रख दिया, ठीक है, लेकिन शेर सर्वाहारी नहीं है, तो शेर का सर्किल मैंने बिल्कुल अलग बनाया, इस तरीके से हमारा बनेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओमनिवोरस है इसके अंदर भालू आया, ओके, अब भालू जो है वो ओमनिवोरस है, इस वजह से ओमनिवोरस के अंदर आएगा, लेकिन शेर जो है वो ओमनिवोरस नहीं है, शेर केवल मांसाहारी है, ठीक है, तो शेर यहां पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है इस फॉर्मेट में बनेगा, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, ये आपका सही जवाब निकल कर आएगा। एक और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मैं चाहूंगा आप लोग इसको ट्राई करें और रिप्लाई जरूर करें कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर निकल कर आया। थोड़ी सी हिंट मैं देना चाहूंगा, ध्यान रखना कि आप नंबर का स्क्वायर करके देख लो, कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर के नंबर का हमने स्क्वायर किया और इनको ऐड कर दिया, ऐसे करने पर अगर आपका लॉजिक बन जाए तो सब में चेक करके देख लो, अगर सारे सही हैं तो भाई सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। जवाब दो कमेंट में कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और मैं आपके लिए अब और भी बड़े क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ रीजनिंग के पूरा, जिसमें रेलवे और एलपी का मैक्सिमम बड़े क्वेश्चंस कवर होंगे, ताकि दोस्तों एग्जाम में आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम फील ना हो। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।